हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं फटाफट पहले बाहर चली जाती हूँ और देखती हूँ कि अगर मेरा पार्सल आया कि नहीं। मैंने अमेज़ॉन से कुछ एक सामान ऑर्डर किया था, अभी तक आया नहीं। इसके वाइब्स ख़त्म हो गए। ओहो नहीं यार, और अब हम बाहर निकल रहे हैं, बारिश शुरू हो गई, बट आज हमें कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम अपनी वेदा रानी के पासपोर्ट फोटो खिंचवाएंगे। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए अभी हम, मतलब इसको नहला धुला के खुद नहा धो के फ्री हो गए। अभी 5:30 हो गए, अब जाके फ्री हुए हम पूरे दिन में। तो अब बस निकलते हैं हम फटाफट बिना कुछ देर किए, सो दैट आगे शॉप्स बंद ना हो और हमारा काम आज हो जाए प्रभु प्लीज़, क्योंकि बहुत हो गया। 2-3 हफ्ते तो वैसे ही ना, एक्चुअली 1 महीने से ऊपर डिले हो गया जब से मैंने सोचा कि मैंने इसका एक काम करवाना है, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो मतलब डिले सहन कर सके, क्योंकि मैं पहले से सारी चीज़ें प्लान करके रखती हूँ। आई नो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट 1-1.5 महीना ऊपर नीचे इज़ टू मच, तो आज तो करवा ही देना है। आई होप हो जाए। आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करो कि आज हमारा काम हो ही जाए। आ गई? हाँ तो गए, लेकिन 6 बज गया। मुझे टेंशन ये हो रही है कि अभी फोटो लेने वाला होगा अंदर की या उसके आवर होते होंगे, ये तब तक रहता है जब तक स्टोर खुला है, क्योंकि स्टोर तो मेरे ख्याल से 8-9 बजे तक खुला रहता है। लेट ही रहता है मेरे ख्याल से। आई होप सो, अगर आज काम नहीं, मैं रोऊंगी पहले थोड़ी देर। मैं भी पीटूंगा तेरे को। बारिश भी हो रही है वैसे तो। देखते आगे देखते हैं। फूड डिस्ट्रिक्ट से अंदर आके हम गलती करते हैं, कुछ भी इतनी अच्छी आती है। और फिर रोहिणी का खाने का मन कर जाता है। अच्छी बेटी की खुशबू आ रही है ना। हां। ये भी पूरी एक प्लेट है। ये भी खुशबू है। ये भी अच्छी खुशबू आ रही है। कहां जाना? अपर। इससे भी खुशबू आ रही है। कुछ तो अच्छा मिल रहा है। थोड़ी देर में आएंगे, पहले एक बार इसको कंफर्म हो जाने, काम हो रहा है। एलिवेटर नहीं चलेगी, क्यों नीचे एलिवेटर चलती थी? तो एलिवेटर तो एक ही है। 6:30 हो गए, इनकी एलिवेटर चलानी पड़ेगी हमें, खुद ही चलानी पड़ेगा। हाँ ये तो बन नहीं रहे, हमें ही करना पड़ेगा कुछ। चल हाँ, इतनी सही बात है, पर मिल गया। आ जाएगा, ये देखो क्या अच्छी फोटो है। सच्ची में दुकान है? अच्छा तुम जाओ, ठीक है ना, सब काम मैं ही करता हूँ, तुम जाओ भागो। पहले वेदा की करा लो, जो इसको उठाओ, अभी गाल खींचो इसके। हाँ तभी उठेगी ना गाल खींचने से, उन्होंने बोला है उठाना पड़ेगा इसको। गाल खींचो इसके। उठो मम्मा के बेटा उठो। हाँ मम्मा के बेटा उठो, जल्दी उठो। ऐसे तो उठ गई रोहिणी, इसकी गाल खींच यार। नहीं मैं बैठ जाता हूँ, मेरी खींच लो इसकी जगह पासपोर्ट साइज फोटो। अच्छा हाँ, वैसे भी सब छोटा शानू तो बोलते हैं इसको। हाँ तो बस खींच लो। आयुष खोलो बेटे, आयुष खोलो बेटे, दुकान बंद हो जाएगी आधे घंटे में बेटे, जल्दी खोलो। ऐसे ज्यादा जल्दी उठ रही है? जरूर उठ गई डैड के पास ही उठती है आके। चल बेटे चलो, हम घूमने चल रहे दोनों। चलो चलो जाओ जी, जाओ चलो। उठो चलो। उठो फोटो करा ली। हाँ मुँह क्यों बनाती है अब? आधा घंटा उठाने की कोशिश की उसको, आधा घंटा उठी ही नहीं वेदा, फोटो हो ही नहीं पाई। सब कुछ कर लिया, दुकानें भी बंद हो गई, वेदा नहीं उठी पर अभी तक। हाँ रोहिणी मैं कह रहा हूँ दुकान बंद हो गई है पर वेदा नहीं उठी अभी तक।
करा ले फोटो फोटो अब तुम करा लो अपनी पासपोर्ट साइज। वहाँ होगी? नहीं वहाँ भी नहीं होगी। अब यहाँ हो जाने की हटसन वे में परमिट। ऑनलाइन चेक करके कल को जाएंगे फिर अगेन अपने लिए नहीं मतलब इसके लिए नहीं मतलब वो है कल जो लेके आए थे ना वो साइजेस थोड़े मतलब छोटे है वो है 0-3 मोस्टली और अब ये लड़की हमारी 3 महीने वालों में भी नहीं आती है तो बस साइज एक्सचेंज करने के लिए लेके आई। मैंने ऐसे खुद से कुछ नहीं खरीदा। अच्छा चलो इसके जन्मदिन के लिए तो अभी मतलब थर्ड मंथ के लिए तो लूंगी बट अभी नहीं वो आगे लूंगी। एक इसके सारे चाचे मामे ऐसे भरते ही रहते हैं इसे भरते ही रहते हैं तो अभी तो देखो अभी इतना सारा एक्सचेंज करने के लिए भी हो गया बेचारे और वो मिले नहीं सेम जैसे वो लेके आए क्योंकि ये दूसरा स्टोर है मेरे ख्याल से किसी और स्टोर से लेके आए थे तो कलेक्शन भी अलग अलग है कुछ बंद हो ना हो रोहिणी की ये ना बंद हो बस कौन सी सारे खाली हो गए बस 2-3 बचे हैं इतना ही तो खाली है इतना तो सब भरा हुआ है कल खा लूंगा ले ले क्या नहीं पसंद कितनी अच्छी लग रही है यार हाँ रह गया अभी रह गया रोहिणी के लिए थोड़ा सा रह गया सारे उठा लिए कुछ नहीं तो छोड़ा। अरे यार ये मैंने एक लिया चॉकलेट हेज़लनट चाहिए थे नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा था पिछली बार भी सारे तो तूने ले लिए अब छोड़ा क्या है यहाँ पे ये ले ले एप्पल चीज अरे 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 जगह नहीं है भाई उसमें रखने की यार सुन इधर आ ये ले लेते हैं यार ये अच्छी चीज़ें हैं ये खाने वाली चीज़ें हैं भाई पर हमारे घर में बिस्किट हैं बहुत सारे रोहिणी ये ले नान खटाई थक हार के आज तो उन्होंने भी VIP कार्ड दे ही दिया VIP है हर रोज आती है उनकी भर लेती है पूरे बैग तो VIP क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी पोर्शन वाइज भी अच्छा नहीं तो अगर ये सेम अब किसी और बेकरी से लेना होता ना तो एक स्लाइस मिलता है इतने इतने $10-10 तो यहाँ $5 का क्या खराब भी तुम्हारे पैसे बचा दिए अब और भी बचाया करेगी VIP पे डिस्काउंट है ना डिस्काउंट है 10% आई फील सो गुड एंड हैप्पी अबाउट माय परचेज घर चले हैं या अभी कुछ और कोई और बेकरी या कुछ लगी रहा था लेकिन अब लेट भी बहुत होगी कॉफी पीने की तब समझ नहीं आ रहा तो अब जाना कहाँ चाहती हो नहीं घर चलो चुप कर गए ठीक है ओके ओके आज इतनी जल्दी वापस कैसे अच्छा अच्छा नाराज हो रही है नाराज हो रही है फोटो नहीं खिंचाना इसकी लड़की का तो अब नाराज हो गई है फुल नाराजगी हो गई अच्छा बंद करता हूँ वीडियो अभी रुक नहीं मतलब अरे ये नहीं जो फोटो लेने वाले थे अच्छा मुझे लगा मैं कैमरामैन तुमसे तो वही हूँ अच्छा ठीक है बट लेकिन उनसे भी बेटी नहीं उठाएगी मेरी किसी से भी मुड़ना इधर था इसने मुड़ गई इधर है फूड कोर्ट हाय कैसे हो मैं देख रहा था किधर को पता नहीं है तुम्हें एग्जिट है सामने ही थी बिल्कुल एग्जिट मुझे देखी नहीं एग्जिट ओ बाहर बारिश हो रही है मैं रुकना चाहिए थोड़ी देर चलो रुकना चाहिए हाँ। सुशी खानी नहीं यहाँ से तो नहीं की वो सुशी से खा लो देख लो आई डोंट नो तुम्हें खाना खा लो तुम देख लो आ जाओ सोच रही हूँ कि अभी बंद भी होने वाले में कुछ जल्दी जल्दी खाने में मजा भी नहीं आता देख लो कुछ छोटा मोटा खा लो ऐसे या बाहर खा लो सो आज के पासपोर्ट साइज फोटो का अटेम्प्ट भी असफल रहा पिछली 2-3 बार की तरह अब हम कल दोबारा ट्राई करेंगे पर इस बार हम ज्यादा लंबा गैप नहीं देंगे क्योंकि गैप दे देके ना बहुत लंबा टाइम हो चुका है अब इतना लंबा टाइम देने का वापस भी टाइम नहीं बचा है तो मैं तो कह रहा था इसके गाल खींच दे अपनी बच्चे ने खींच नहीं सकती अरे तो प्यार में ऐसे रो के दूंगी भी किसको खुद ही को पकड़नी पड़ेगी वापस भी तो अब फिलहाल वैसे हम वापस घर जा रहे हैं भूख बहुत लग रही है तो देखते घर जाके क्या खाएंगे रेड लाइट में कैसे दिख रही मैं एनीवे तो बस घर पहुंचते फिर घर जाके ये बात करते तो आप ऐसे कुछ एक लोगों ने पूछा था कि आप वेदा के साथ पीछे क्यों नहीं बैठे हो मैं वेदा और वेदा के पापा के साथ शिफ्ट एक्सचेंज करती रहती कभी पीछे कभी आगे ताकि दोनों में से किसी को भी लोनली फील ना हो ज्यादा छोटे डिस्टेंस में त्यागी जी के साथ आगे लंबे डिस्टेंस में वेदा के साथ पीछे
तो बस अब हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं। अब देखते हैं खाने का कैसे और क्या करने वाले हैं आज, हम घर जाके बात करते हैं बाकी। ओए अब ये क्या है? अरे इसमें कुछ नहीं, मैंने अपनी दोनों लड़कियों के लिए सामान मंगाया है। इसमें इसके पैम्पर से कुकू का लीटर है और इसके वाइप से, ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़रूरत का सामान है या खुद उठा के अंदर लेके जाऊँ? मैं ही लेके जाऊँगा, खुद लेके जाऊँगा, स्वयं अपने दो हाथों से। तो इसमें जो रह रहा है कि एक खतरा हो रहा था कि कोई लेना जाए, पर इतने बड़े डब्बे में कोई लग भी नहीं रहा था, कोई चक्की भी लेके जाएगा। चलो यहाँ से पार्सल चोरी कर लेते हैं ना लोग दराज के आगे से। हेलो एंड वेलकम बैक। आज है हमारा डे टू, अटेम्प्ट नंबर 4 और 5, आई डोंट नो विच वन। फिर से आज वेदा को लेके जा रहे हैं, अगर आज ये उठ जाए। एंड आई नो ऐसे लग रहा है कि मैं एकदम ही ऐसी चली हूँ घर के उसमें, चली तो ऐसी ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी जाग रही है। हम नहीं चाहते कि ये सोए, आई मीन सोए बट इतना गहरा ना सोए। हाँ पीछे बैठूँ, ठीक है। तो बस अभी हम निकलते हैं, फिर देखते हैं। आंखें खुली हुई है। हाँ पहले शॉपर्स चलते हैं पास में, तो वहाँ पे भी होती है फोटो, ये जो सामने सब्जी मंडी के साथ वाले में होती है। तो बस वहाँ ट्राई करते हैं इसके सोने से पहले, फिर आपको अपडेट देते हैं। वो एक हर जगह बीम नहीं चला हुआ है कि अगर बच्चा पूरा अच्छे से और तैयार है तो मदर कैसे दिखती है। बस वही मेरे हाल है कि बच्चे को तैयार करते करते खुद अस्त ध्वस्त हो जाती हूँ तब तक। बट चलो एटलीस्ट हमारी छुन्नू तो छुन्नू लग रही है। आज तो फाइनली इसकी भी फोटो आ गई। आज मैंने पकड़ा है, कल भी तुमने पकड़ा था, सबूत है हमारे पास। कल फोटो में पकड़ा था, ऐसे तो पकड़ा। फाइनली फोटो हो गई है आज। मुबारक हो सभी लोगों को, आज इतना खुश दिन है हमारे लिए। बट उसने फोटो वाली ने बोला है कि इनकेस अगर ये फोटो ना चले पासपोर्ट ऑफिस में तो आप दोबारा आके हमसे दोबारा क्लिक करवा सकते हैं। तो आई होप ये वाली फोटो चल जानी चाहिए, क्योंकि इसमें इसकी आंखें भी खुली है, फेस भी क्लियर दिख रहा है, कान भी दिख रहे हैं, बस थोड़ी सी टेढ़े को है ये। बट उन्होंने कहा कि वो थोड़े बहुत एक्सेप्शन ले लेते हैं, तो लेट्स सी ये वाला एक्सेप्शन वो ले ले। बाकी अब हमें पता चलेगा हम कब जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस, कल या परसों? परसों तक हम पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, तो हमें उस दिन पता लगेगा अब जो भी होगा, जो भी फॉर्मेलिटी है या नहीं है। और इतना मतलब बेचारी सो के तो उठ गई थी, पर इतना रोई उसके बाद ये अब जाके थोड़ी सी चुप हुई है। आई होप अब इसको नींद आ जाए और अच्छे से सोए। बाकी अब हम जा रहे थोड़े से अपने और काम करवाने के लिए, तो वहाँ मिलते हैं। रोहिणी जी, काम आगे जा रही हो? हवा में हवा से उड़ रही हो लगता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। क्यों आज ये भी खाली करके जाना है? बंद कितने बजे होता है? भगवान करे ऐसा दिन आए कि अगर मैंने पूरा ही सब कुछ खाली करना तो मैं कर पाऊँ। अच्छा भगवान हमें इतने अच्छे दिन देगा, अवश्य देगा, जरूर। नहा के आई आज? आई तो हूँ लेकिन बस बाल नहीं बनाए, रोक बाल नहीं कौन से करना। मदर शुड लुक नाइस। हाँ मदर को पता तो है नहीं कि बाल बनाया है कि नहीं बनाया मैंने। मदर बिना वो करे भी अच्छी दिखती है ना। अरे वेरी गुड। एनीवे आया हम थोड़ा सामान खरीदने के लिए, अभी कोई घर जाने वाला है इंडिया, मैं थोड़ा बहुत सामान भिजवाना चाहती हूँ उसके साथ। अच्छा यस सर। कैसी लगी? ब्यूटीफुल, थैंक यू, लेट्स गो। पागल बच जा, टीपी वालों बच जाओ आज तुम्हारे। अरे वाह, सुन रही है तेरी बात? ये मेरे ख्याल से उधर से तो नहीं चलेगा ये, तो ये सिर्फ मैप था देखने के लिए और तू इससे बात करने में लग गई। इसमें आए तो लिखा इंफॉर्मेशन डेस्क है ये। अच्छा कहाँ लिखा है इसमें? अरे ये इधर है, ब्रेक लिया है रोहिणी ने, रोहिणी को लग रही थी भूख तो रोहिणी ने ब्रेक लिया है, अभी रोहिणी कॉफी पीने आई है। मेरे को लगी थी प्यास, पानी पिया है मैंने। ये कॉफी पी रही है, पकड़ी गई, कॉफी पी रही है। कुछ भी नहीं है मेरे में, भी कुछ नहीं है। ये लो और ये लो, अच्छा पकड़ी गई रोहिणी, कॉफी पी रही है ब्रो। आपको इतना क्विक शॉपर मिल सकता है कोई? क्विक और नहीं तो सिर्फ लेस देन एन आवर में मैंने सारा सामान ले लिया। डेढ़ बजे आई थी, डेढ़ बजे तुम बिस्तर में थे अपने? मैं हाँ सुबह 7:30 बजे उठ गए। 7:30 बजे, अच्छा कहीं ज्यादा जल्दी तो नहीं उठ गए थे? है काम था मुझे आज, इम्पोर्टेंट। झूठ भी मतलब थोड़ा नाप तोल के बोला करो। 7:30 बजे, 8 बजे तो मेरा 7:30 तो तुम अगले हफ्ते उठोगे। आज सिर्फ दो काम बने, नहीं एक्चुअली तीन काम हो गए आज मेरे। जब कोको की अपॉइंटमेंट है उस दिन दोबारा उठना पड़ेगा 7:30, और एक इसका पासपोर्ट का हो गया, और ये भी सामान भी ले लिया मैंने जो सामान लेना था थोड़ा बहुत। अरमानी से ले ले, 80% ऑफ
सारे काम हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर की ओर आई गेस या कहीं और, ये हमें यही बता पाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं कोई और नहीं, सिर्फ घर की ओर, तेरी ओर, मेरी ओर, घर की ओर। चलो फिलहाल गाड़ी की ओर। इससे ना गलती से भी बाहर लिया हो ना, घर जाने का मन नहीं करता। अरे किसका करेगा मन जब घर में कैद हो जाओ। क्या कैद हुआ यार, क्या कैद हुआ है तुम? मैं होम प्रिजनर। मैं तेरे को इस डिग्गी में बंद कर देना है, मेरी बात सुन ले। चलो चलते फिलहाल। हम आए तो थे यहाँ पे 15 मिनट की ड्राइव पे दूर कुछ खाने के लिए। यहाँ पहुँच के पता लगता है कि वो है ही नहीं, और गूगल पे वो लोकेशन अभी भी दिखा रहे कि यहाँ अवेलेबल है। तो हम गाड़ी में बैठ के सोच रहे कि अब क्या खाया जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना स्नैक इस टाइप्स खाना है। डिनर करने के लिए तो घर में ही खाएंगे, पर स्नैक के लिए समझ नहीं आ रहा है। तो अब एक और दूसरी जगह है जहाँ पे मैं पहले भी गई थी जब नैना और रजत यहाँ थे, या तो वहाँ जाऊँगी या फिर एक और नई जगह मिली है उसका मेन्यू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। नॉन वेज और एक है पनीर, क्या है, मैक एंड चीज़। पर मुझे समझ नहीं आ रहा पनीर मैक एंड चीज़ मतलब मिक्स करना चाहिए कि नहीं। सो इधर आई विल ट्राई दैट या फिर पुराना ही मेन्यू जहाँ पे जो घर के पास है वहीं पे। हम थकार के घर ही जाने वाले हैं, क्योंकि जब हम दूसरी लोकेशन पे जाने लगे तो हाईवे से हम गलत रास्ता चढ़ गए। तो फिर मैं कहा चलो छोड़ो घर ही चलते हैं। ओहो लाइट बंद हो गई, क्योंकि अभी त्यागी जी उतरे हैं ग्रोसरी स्टोर, उनका वहीं से ले लो पनीर वगैरह कुछ, घर में जाके बनाते क्योंकि 8 तो बज गए, कब घर पहुँचेंगे कब खाएंगे। मैं कहा चलो अब घर ही खा लेते घर जाके। तो बस वो आने वाले हो गए, घर जाके कुछ खाते, बहुत भूख लग रही है मुझे, बहुत भूख। वैसे मैंने कल जो लेके आई थी ना बेकरी आइटम्स, उसमें से कुछ खा लूँगी अभी, फिर उसके बाद देखते क्या करेंगे आगे। क्या मिला? मिल गया। मेरे ख्याल से क्रीम थोड़ा सा यूज कर लिया था, क्रीम तो नहीं चाहिए इसके लिए। थोड़ा तो होगा, हाँ आधा तो होगा मतलब। हाँ मोस्ट प्रोबब्ली यस, व्हिप्ड क्रीम बनाया था ना थोड़ा। ओ यार कस्टर्ड के लिए ले आऊं? ले अगर खाने तो। ये वही व्हिप्ड क्रीम, पर उसके लिए फ्रूट्स भी लाने पड़ेंगे मेरे को। तो फिर बहुत लंबा बनाना चाहिए, ग्रेप्स चाहिए मेरे को, सेब तो है, कैशू वगैरह भी है। बनाना है कस्टर्ड आज या कल बनाए? मर्जी है, थिंक फास्ट ब्रो। कल को बना लेंगे, कल बनाते हैं। ये गए त्यागी जी दुकान में, कहते कि पूछ ही लेता हूँ पता नहीं कब तक डिनर रेडी होगा, अगर यहाँ कुछ मिल रहा है खाने के लिए। देखते हैं अब क्या लेके आते हैं, मिलेगा कि नहीं। इजिप्शियन दुकान है लग रहा है, किसी चीज़ के लिए तो सहमति हुई है क्योंकि शायद पेमेंट हो रही है, पता नहीं क्या आएगा। या तो फलाफल हो सकता है, इजिप्शियन दुकानों में फलाफल भी मिलता है आई एम प्रीटी श्योर, या फिर हम्मस होगा, दो में से एक। लेट्स सी, ये तो बिना ही कुछ ले आए, कुछ भी नहीं मिला। मुझे कुछ तो मिला ही होगा। अच्छा चलो कोई नहीं जी। क्या बना? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया, क्या बताया उसने, क्या नहीं बताया। फिर मैंने बोला आई एम लुकिंग फॉर वेजिटेरियन ऑप्शन, पता नहीं क्या बताया, भगवान ही जानता है। बस मुझे पिज्जा का बॉक्स दिखाया कम लाइक दिस, क्योंकि उसकी भी इंग्लिश मेरे से भी अच्छी थी है ना, दोनों की हम भाई भाई, दोनों भाई, भाई निकले। तो पता नहीं, मैं वेजिटेबल कुछ करके तो आया हूँ जो की है $25 का, तो मुझे अच्छा ही होगा कुछ। पिज्जा नहीं है, राउंड शेप में नहीं है, फिर क्या कुछ ऐसे बता रहा है, फोल्ड फोल्ड फोल्ड, बस उसने इतना इतना बोला। शाबाश, तो अब कुछ तो करके आया हूँ मैं, और एक्स्ट्रा चीज भी कह दिया है उसको। तो पहले उसने कहा मैं एक्स्ट्रा चीज नहीं दे सकता, फिर बोला ऑन टॉप ऑन टॉप, तो मैंने बोला ऑन टॉप ही ठीक है। मैं यहाँ से देख रही थी पहले, मुझे लगा कुछ तो खरीदा, मेरे को लगा फलाफल या फिर हम्मस होगा हद से ज्यादा, ये खरीदा है फतीरी पता नहीं वो भी क्या ही बोल रहा था, ये जो भी कुछ है ये खरीदा है। अब पता नहीं क्या मिलेगा, क्या इसको फतीरी फतीरी पता नहीं क्या बोल रहा था। अच्छा फटाटट जो मैं कर रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से फटाटट ही है, पर इसको वेरी गुड। मैं यहाँ सोच रही थी हमसे फलाफल ही लिया होगा, इजिप्शियन फूड में वो भी आता ही है, पर चलो देखते हैं अब जो भी है। सरप्राइज कुछ और ही लिया है, समझ में मेरे को भी नहीं आया क्या। वेरी गुड,
बढ़िया सॉन्ग लाया हूं भाई मैं। हैं? हां। तुम्हें गर्व है अपनी पसंद पे? हां, देख के अच्छा लगा मुझे। दिखा जरा, हम भी देखें। ओह वाह, ये वेजिटेरियन है? हां। चिकन के साथ भी पूछ लिया। इफ यू ऑर्डर चिकन देन इट विल कम विद चिकन आल्सो। लाइक ओके, चिकन बढ़िया है। आइटम यहां पे ये तो वो हो गया, मतलब क्या कहते हैं, बगल में छुरा जग में ढिंढोरा, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट हो गया। चलो ठीक है, घर के पास ही था, हम पता नहीं कहां कहां घूम के आ गए। उसने अंकल ने मेरे को बोला है सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, पूरा यकीन है उनको कि हम नेक्स्ट टाइम आने वाले हैं। बना के तो अच्छा दिया है। हां, लगता अच्छा रहा। चलो घर जाके देखते हैं। अभी तो गर्म है। हां तो पास ही तो है हमारे तो। पीछे भी रोटी परांठा जैसा है, और की रोटी भी नहीं है एंड ब्रेड। ये एक्स्ट्रा चीज इन्होंने, मैंने कहा है इसलिए लगाई, नहीं तो ऊपर चीज नहीं लगाते ये। मतलब लिटरली ऐसा जैसे मिक्स पराठा। हां, परांठे के साथ चीज ऊपर। वैसे तो मैंने अंदर बोला था कि एक्स्ट्रा चीज, मुझे लगा अंदर होगी, पर बोलता आई लैड ऑन टॉप, फिर जब तक मैंने बोल दिया तो मैंने कहा चलो ऊपर ही लगा दे। नॉट बैड, लेकिन बहुत ज्यादा है, इट ऐसे जैसे पार्टी साइज हो। कितना खाएगा कौन? अब जब तक हम इसे खाते हैं तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे आप सभी लोगों को बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय।